सुनहरे सपनों के साकार होने से साक्षात्कार कर रहा है नया भारत। आज का गौरवशाली दिन राष्ट्रीय गर्व और स्वर्ण के पर्व का दिन है। भारतीय जनमानस का स्वर्ण से भावनात्मक रिश्ता आज हम और आगे तक बढ़ा रहे हैं। स्वर्ण भारत की तीन योजनाओं का स्वर्ण शुभारंभ भारतीयों को दीपावली की एक सुनहरी भेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी की देश के हर आयाम को जगमगाने की प्रतिभा, प्रतिबद्धता और ऊर्जा को देखकर ये राष्ट्र चमत्कृत भी है और अचंभित भी। 1.5 साल के सूर्योदय से देश में उम्मीदों का उजाला करने वाले, देश का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने वाले, नई दिशा नई सोच के तोहफे भारत को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब भारत खुलकर, खिलकर और हंसकर बोल रहा है, प्रगति और समृद्धि के नए दरवाजे खोल रहा है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया अपने स्वर्णिम शब्दों में हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, निर्मला जी, जयंत सिन्हा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, हम बचपन से सुनते आए थे सोने पे सुहागा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया था कि सोने पे सुहागा होता क्या है। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें समझा दिया सोने पर सुहागा क्या होता है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। और हम ऐसे गरीब देश हैं, ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यहीं पड़ा है। और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई लॉजिक ये नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। अब मैं बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो कभी आधी रात काम आ जाएगा। और ये जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है उसमें से समाज को बाहर लाना ये आसान काम नहीं है। आप समझा करके कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कहोगे ये छोड़ो आसान नहीं है। इवन रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी अपनी पत्नी कुछ मांगी है तो गोल्ड लाना ही पड़ेगा। जबकि उनका अर्थशास्त्र गोल्ड के शब्द में अलग होगा लेकिन ग्रह शास्त्र अलग होगा। तो ये जो अवस्था है उस अवस्था में कोई न कोई इनोवेटिव क्रिएटिव हमने व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ेगी। दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में, एक ऐसा प्रसन्न है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है। मकान है तो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, गाड़ी है तो पति या बेटे के नाम पे,
खेत है तो पति महिला के पास। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो सोना एक होता है जो महिला की ताकत का विषय होता है। ये ऐसे बनी हुई व्यवस्था नहीं है, कोई सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा ताकतवर हिस्सा रहा है जो विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा पहलू है। उसके नाम पे मकान नहीं होगा लेकिन उसके पास ये संपत्ति उसके मालिकी की होती है, और परिवार भी इसको क्वेश्चन नहीं करता, बेटे भी क्वेश्चन नहीं करते, तो माँ का है। ये जो हमारा संस्कार का एक उत्तम पहलू भी है जिसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्था विकसित की, एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड ये हमारा स्ट्रक्चर विकसित हुआ है। तो उसको बरकरार भी रखना है। हमारी माताएं बहनें उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ये बरकरार रहना चाहिए। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी। दूसरा, हमने देखा होगा हमारे यहां संपन्न परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मध्यम वर्ग परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली गोल्डस्मिथ होता है। कितना बड़ा विश्वास होता है, तीन तीन चार चार पीढ़ी से वो सोनार, यानी वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गांव का सोनार है, उसी को ढूंढेगा, भाई देखो मैं भेजता हूं जरा ये कर देना है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी यानी सदियों की तपस्या से बनती है। उस ताकत को भी हमें पहचानना होगा। और इसलिए जब योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। एक समय ऐसा था 1968, गोल्डस्मिथ सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। मैं गुजरात के पाटन नाम के एक शहर में बचपन में कुछ समय बिताया था, तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी। वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक कार्यक्रम रहता था, सुबह अखबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहां भी मुरारजी भाई का फोटो हो तो उसको जलाते थे। इतना गुस्सा वो करते थे क्योंकि उनको लगता था भाई हमारा तो सारी रोजी रोटी चली गई। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको एक फिर से एक बार एम्पावर करें, वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पर भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के आज जरा भी तुम चेक करो मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाएं तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। सरकार में कोई योजना बजट में आए और इतने कम समय में ये लागू हो जाए और टारगेट तय किया गया धनतेरस के पहले, क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्व है उससे ज़्यादा धनतेरस पर है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको
अब ये देखिए, 1,000 टन सोना हर वर्ष हम इंपोर्ट करते हैं, और ये इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोग की पड़ी रहे, किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं, तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है और सामाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा, ये सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है, और राष्ट्रीय विकास के यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मैकेनिज्म बनाना है। आज एक चिंता तो लोगों को रहती है कि भाई कहाँ रखे, 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहाँ, रिश्तेदार के यहाँ भी रखे कि क्या रखे कैसा, उसको मन में चिंता रहती है। यह सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन था वो इस योजना से मिट जाता है, उसको विश्वास बन जाता है हाँ भाई हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है। कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिए करता है भी रुपये के थैले कहाँ रखेंगे, इतनी छोटी जगह में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थैले वाला रुपये, तो हम जानते हैं वो क्या होता है सब। लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉन्ड आ गया तो अपना 4 कागज रखने, चोर भी आएगा तो हाथ नहीं लगाएगा, वो कहेगा ये कागज को ले जाना है, चोर नहीं ले जाना है भाई, ये तो बेकार है। यानी सुरक्षा की गारंटी, और ये वो बेच भी सकता है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बेच सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। हम इन चीजों को बड़ा आर्टिकुलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचाए, उसी प्रकार से हमारा जो ये जमा जमा है ऐसा ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वेलरी के लिए चला जाएगा। ज्वेलरी के लिए चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा, उनके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक ज्वेलरी के बिजनेस के वालों के लिए बैंक से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना, लोकली मिल जाना, ये अपने आप में हमारे ज्वेलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। और इसलिए जो ज्वेलरी के दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े आज गोल्ड कंज्यूमर हैं, अभी मुझे कल कोई रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया, शायद 562 टन अब तक 9 महीने में शायद हमने गोल्ड खरीदा है, और चाइना शायद 548 पर खड़ा है। अगर इतना हम तेजी से ये कर रहे हैं तो ये व्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं। मंथली मॉनिटरिंग कर करके हम टारगेट तय कर सकते हैं क्या कि इस मंथ घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बाहर से आना कम होगा। ये हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित कर सकते हैं क्या, तो शायद हम इस सारे नए व्यवस्था को एक एक सचमुच में राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के काम में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी है। क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मार्केट से सोना, और आज भी पूछते हैं अच्छा भाई वो मार्का है, मुझे तो नाम वाम याद नहीं क्योंकि मेरा कोई दुनिया से लेना देना है नहीं, लेकिन सुनते आए हैं। अब वो विश्वास से कहेगा कि भाई अशोक चक्र है क्या, मेरे देश का उस पर भरोसा है क्या, ये हमने ब्रांड पॉपुलर करना चाहिए। अब हमने ही तय करना चाहिए कि हम अब विदेशी मार्का वाला बाजार में हम खुद ही नहीं देंगे, हम ज्वेलरी में होंगे, हम गोल्ड बेचने वाले लोग होंगे, हम नहीं करेंगे। ये ठीक है कि अभी इस धनतेरस तो शायद 100-125 सेंटर पर ही मिलेगा शायद, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिन लोगों को धनतेरस पर सोना खरीदना है उनको कुछ जगह पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये होता है। लेकिन एक
राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए। और इतने कम समय में वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्कआउट किया, उसको लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी भी इसमें है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से करनी पड़ी है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की। और मैं जब इस कॉइन को देखा, शायद मैंने अपनी रुपये वगैरह पर जो गांधी जी देखे हैं, इसमें बहुत बढ़िया उनका चित्र निकला है गांधी जी का, यानी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बधाई देता हूँ। इतना यानी एक फीलिंग आता है, कोई आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया है। यानी इसके लिए मेरा स्वभाव है, इन चीज़ों में मेरी रुचि होने के कारण मैं तरह प्रकार से देखता रहता हूँ। लेकिन मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को, अरुण जी को विशेष बधाई देता हूँ और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि धनतेरस के इस पावन पर्व से और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भारत स्वर्णिम युग के आगे लिए आगे बढ़े और आपका 20,000 टन सोना भारत के स्वर्णिम युग की ओर जाने के लिए काफ़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए जिनके जिनके पास सोना है, सुनहरे अवसर को न छोड़े और सोने पर सुहागा उसका फायदा वो भी उठाएं, यही मेरी अपेक्षा और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।